तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, आज आपको समझाने वाला हूँ कि 5, 10, 20 एंड 50, 100, 50 और 100 इन सब से कोई भी संख्या को डिवाइड आसानी से कैसे करें। तो अब हम कोई भी एक रैंडम संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम कोई भी ले लेते हैं 6, 6, 8, 7, 9, 2, कोई भी संख्या ले ली। अब सबसे पहले हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करना रहता है तो हमको सिंपली कुछ नहीं करना पड़ता है, हमको उस संख्या का डबल कर दो, इंटू कर दो या फिर प्लस कर दो। जैसे कि मान लो 6, 6, 8, 7, 9, 2, इसका इंटू भी कर सकते हो 2 में, फिर प्लस भी कर सकते हो। अब हमने ये संख्या ले ली, इसको प्लस कर देते हैं, तो 2, 2 जा 2, 2 4, 9, 9 18, 1 इधर चल जाएगा, 7, 7 14, 15 हो जाएगा, 1 इधर चल जाएगा, 8, 8 16, 17 हो जाएगा, 1 इधर चल जाएगा, 6, 6 12, 13 हो जाएगा, 1 इधर चल जाएगा, 6, 6 12, 30, तो ये आंसर आएगा। तो इसको इधर उतार लेते हैं, 3, 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
बस एक डिजिट के बाद लगा देना है पॉइंट हमें। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाने से हमारा फाइव का आंसर आ जाएगा ये। तो अभी हमने समझ लिया कि फाइव से डिवाइड कैसे करते हैं। अब हम बताते हैं कि टेन से डिवाइड कैसे करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हम कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, 4, 2, 6, 9, 8, ये हमने रैंडम संख्या ले ली। अब हमें अपन बेटे हाँ तो अब हमें 10 से डिवाइड करना है। तो हमें इस बार तो 5 से डिवाइड करने वाली संख्या 5 से भी आसान है, क्योंकि 5 में तो प्लस करना पड़ता है, इसमें प्लस भी नहीं करना पड़ता। इसमें सेम टू सेम संख्या उतार लो और बस। इसमें एक जीरो है तो एक जीरो के बाद पॉइंट लगा दो, बस आपका आंसर 10 से डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा। इसमें तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर कि 20 से डिवाइड कैसे करें। अब 20 से डिवाइड करने के लिए भी हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, हमें सिंपली बस लिखना है, कोई सी भी संख्या लिख ले लो अपने हिसाब से, 5, 6, 2, 9, 0 अपॉन 20। 20 से डिवाइड करना है ना, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, एक बार जीरो हटा देना। 2 से डिवाइड तो कोई भी कर लेता है, 2 1 2, 2 2 4, 1 बच गया, इधर चल गया 16 हो गया। तो 2 के टेबल में 16 आता है 8 बार में, फिर 2 1 2, फिर 2 के टेबल में 9 कितनी बार में आएगा, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 आएगा, तो 2 4 2 4 8 1 बच गया, तो 2 5 10, तो ये आंसर इसका आ गया। तो इसको उतार लेते हैं, 2 8 1 4 5, तो ये आंसर आ गया। तो 20 से डिवाइड जब हम करेंगे तो बस एक जीरो है तो मतलब इधर एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दें, तो ये आपका 20 से डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा। अब बारी है हमको किससे डिवाइड करना है, 5 से हो गया, 10 से हो गया, 20 से हो गया, 50 की बारी है। 50 में भी सेम ही 5 वाला, 50 से डिवाइड करना है ना। अब जैसे कि 50 है तो इसमें भी 20 वाला सिस्टम है, मतलब इसमें 5 का है। जैसे कि मैं बता दूं, कोई सी भी संख्या ले ली, ठीक है, अब करना है 50 से डिवाइड। तो 5 से डिवाइड करते हैं ना, वैसे करते हैं, एक सेकेंड, हम जीरो हटा देंगे अभी, तो इधर कर लेंगे 4 5 5 के हम करते हैं ना इनटू, वैसे ही इसमें करना है हमको 4 5 6 4 5 6 9 10। तो इसको डबल करने के लिए
इसको प्लस कर लेंगे, 0, 6, 6, 12, 13, 1, 5, 5, 10, इसको इधर उतारते हैं। तो 50 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं जब तो हम एक डिजिट के बाद 0 लगाते हैं, 50 से कर रहे हैं तो दो डिजिट के बाद 0 लगाएंगे, तो हमारा आंसर 50 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, एक यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, ये 448 और ये 9 होता, मैंने 5 कर दिया, तो ये 9 हो जाएगा। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। तो इधर भी 9 आ जाएगा, तो ये 50 वाला, 50 वाला, तो इसका आंसर ये है, इधर 9 है, तो ये आंसर है, इधर मैंने 5 लिख दिया था इधर। तो अब बचा हमारा 5, 5, 10, 20, 50, ये हो गया। अब बचा आखिरी 100, 100 से डिवाइड करना है, तो हमें कोई सी भी एक संख्या ले लो, 10, 20, 50, 11, कोई सी भी ले ली, डिवाइड में 100 कर दिया। अब इसमें भी हमें कुछ नहीं, 10 वाली प्रॉपर 10 वाली ही मेथड्स है, वैसी की वैसी संख्या उतार ली, 10 में हमने एक डिजिट छोड़ के 0 लगाया, इसमें 2 0 है तो 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, सॉरी 0 के पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर ही यही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब कर देना, बाय। मजा आया।